हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी, वेलकम है आप सबका एक और न्यू ब्लॉग में। तो आप सभी को सबसे पहले गणतंत्र दिवस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे। तो जी, गणतंत्र दिवस आज बच्चे तो कल मना लिया था उन्होंने, उनके स्कूल में प्रोग्राम कल था 25 जनवरी को, और बहुत सारे जो हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम उसमें होते हैं। आज तो केवल प्रभात फेरी थी और झंडा आज लहराया जाएगा, हमारा तिरंगा प्रोग्राम जो है कल इन्होंने देख के आए थे, और 3-4 घंटे का, बल्कि इससे ज्यादा का टाइम इन्होंने दिया वहाँ पे। तो खूब सारी खुशियाँ, ढेर सारी खुशियाँ, नाच गाने का प्रोग्राम, बहुत सारे कार्यक्रम इस उपलक्ष में होते हैं यहाँ पे स्कूल्स में, तो इनके स्कूल में भी हुआ था। तो अभी उठ चुके हैं भाई और बच चुके हैं 10। देखेंगे भाई, हम भी यहाँ पे कार्यक्रम मनाएंगे और सेलिब्रेट करेंगे अपना गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे। बच्चे बच्चे क्या, आरुष सोया था यहाँ पे, नीचे चला गया उठ के, वो अपनी कंपनी में शामिल हो गया है आरुषि और नंदिनी की, और हम भी यहाँ से तैयारी करते हैं भाई, रेडी होते हैं। तो भाई अभी बच्चों के 12:30 और धूप निकल गई अच्छी खासी, और अब यहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे अपना स्वतंत्रता दिवस। अब लोकतंत्र की अपने जो है खुशियां मनाएंगे, बधाइयां देंगे आप सबको, और बधाइयां देने के लिए तैयार है यहाँ पे नंदिनी। नंदिनी तिरंगा यहाँ पे लहरा रही है, और आरुषि और आरुष ये सब रेडी है। तो अभी जो है लोकतंत्र का जश्न मनाने के लिए पूरी टीम तैयार है। हाँ बेटा बताओ। 26 काशी काशी लो, ऊपर को कर लूंगा मैं, तो कर लिया ना पापा जी। हाँ। उस दिन 26 जनवरी की तरह घुमा, हाँ घुमा के भी लाऊंगा। अभी नीचे नहीं करना है तिरंगा, ऊपर रहना है हमेशा। क्या कर रहे थे आप? भारत बचा बचा जय श्री राम बोले दा। अच्छा, और भारत माता की जय भी करेगा है? भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ऊपर ऊपर करो, ऊपर करो, ऊपर। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। चिंकी दिखा रही है अपनी यहाँ किचन गार्डन, अपनी फार्मिंग सोनिया और पूजा को। सोनिया और पूजा भी आई हैं भाई, और ये काफी देर से, और अब घेर देखने के लिए आई हैं। पूजा काफी दिनों बाद आई है, और सोनिया भी। तो मैं अपनी किचन गार्डन समझा रहा था भाई सोनिया को। सोनिया ने पूछ रही थी कहीं का बाग है, बाग नहीं है, सब्जी है ये। ये देख रही थी मैं, ना तो देखा, पर ये चीज नहीं देखी थी मैंने। चाची इसे सेव चना बोल रहे हैं, और इसे अलग अलग जगह अलग अलग भाषाओं में बोलते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ से सेव चना बोल रहे हैं। कांटे भी आ गए हैं इसमें, कांटे नहीं आते चिंकी, इसमें फलियाँ। अभी इसमें फूल आने लग रहे हैं, फिर इसमें फलियाँ आवेंगी। ये क्या बटरफ्लाई जो चिपक रही है? बटरफ्लाई नहीं, मधुमक्खी। अच्छा, मक्खी वगैरह बैठी होंगी कुछ। तो जैसे ही थोड़ी सी धूप निकली तो भाई खिलखिला उठी हैं सब्जियां भी, इन्हें सर्दी में ये भी सिकुड़ रहे हैं आदमी की तरह, इन्हें भी जड्डा लग रहा था बतेरा। आरुषि तुम्हारा फ्लैग कहाँ है? है ट्राई कलर फ्लैग, ये रे ये तिरंगे यहाँ पे देखो, यहाँ पे खड़े कर दिया इन्होंने जमीन में, यहाँ पे डंडियों के सारे गाड़ दिए हैं, यहीं पे लहराएंगे अभी, पर थोड़ी देर के लिए यहीं पे जश्न होगा। नंदनी झंडा फैर गया है, अब इसे कहीं पे जो लगा दो इसे। तो भाई सबसे ज्यादा नंदनी जश्न मना रही है, जश्न उस पे वो रील बना के तिरंगा बना के ऐसी रील बनावेंगे। हाँ ये कलर पोत लो इन पे मुँह पे है, खुजली हो जा जो। ये चिंकी ऐसे ऐसे काम करे, ये देखो एक्रेलिक कलर है, और मुंह पे लगाओगे ये इन्फेक्शन कर देंगे चिंकी। नहीं पापा जी, इन्फेक्शन नहीं करने के। और इनसे वे जो यहाँ पे बनाए जा ना वे, हाँ? वे इनसे ही बनाए जा गाल पे। हाँ। इन कलर से ही। हाँ जी। तो तेल वेल कुछ तो लगाते होंगे पहले? ना। हो और उसी को पता हो ना, कुछ नहीं लगाते हैं। सर तो जल्दी हो रही लगाने की पापा जी। हाँ गोल्ड क्रीम लगा रख। तिरंगे झंडे यहाँ पे टैटू बनाएगी चिंकी है, देखो तेरे भी बना पहले उसके ऊपर बीच में बना दे। हाँ रुक जा रुक जा रुक जा, ज्यादा ना पोती हो, एक पानी ला, कभी पता चला खुजली होगी। हेलो गाइस, नमस्ते, आपको मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है 26 जनवरी और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं घेर में, और मैंने ये देखो एक्रेलिक कलर से अपने मुंह पे ये भी बनवाया है अमित भैया से, और नन्नू के मुंह पे और आरुषि के मुंह पे भी मैंने, आरुषि के फेस पे और मेरे फेस पे भी मैंने एक्रेलिक कलर से यहाँ पे बना दिया। पेंट ब्रश मैं लाई थी, और अभी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, मतलब फोटो खिंचा रहे हैं, रील बना रहे हैं अलग अलग, और व्लॉगिंग कर रहे हैं।
तो पापा जी भी कर रहे हैं और मैं इधर खड़ी हूँ। यहाँ पे दो तीन मैंने फ़ोटो खिंचाए हैं और अपनी डांस की प्रैक्टिस भी कर रही हूँ, क्योंकि आज मेरा एक डांस है देश रंगीला रंगीला पे। तो गाइज आप देखते रहना मेरा, तो गाइज देखते रहिए यही व्लॉग और आपको मिलेगा आज मेरे डांस का वीडियो। 26 जनवरी रिपब्लिक डे, तो आज के दिन ही हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लागू हुआ था, संविधान लागू हुआ था, और हम सब ने मिलकर अपने घरों में झंडा लगाया था और खुशी मनाई। और यहाँ पे ना बहुत अच्छी हवा भी लग रही है, मतलब एकदम फ्रेश हवा खाते खाते हम रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, इतना मजा आ रहा है। हैप्पी रिपब्लिक डे भैया, हैप्पी रिपब्लिक डे दीदी, सेम टू यू। पिताजी आपको मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे भी आपकी और बड़े छोटों की सभी उसकी शुभकामनाएं, मुबारक हो। हैप्पी रिपब्लिक डे मम्मा जी, सेम टू यू। तो फिलहाल ये सारे देशभक्त जो सुबह बहुत सवेरे से देशभक्त बने हुए हैं, तो अपना जज्बा दिखा रहे हैं। देखो एक तो ये देशभक्त नहीं जो है, हमने सब चीज कर ली पर नेशनल एंथम नहीं करा। नेशनल एंथम तो बहुत जल्दी हुआ तुम्हारी तरफ थोड़ा ही ना, वो तो हो चुका था सुबह सुबह। और ये जो जश्न लोकतंत्र दिवस की वो मना रहे हैं, ये देखो कैसे सलूट कर रही। जय हिंद, जय भारत। तो अभी पापा जी तो चले जा रहे हैं खाना खाने, और ये तिरंगा लगाते हैं ऊपर छत में, हाँ सबसे ऊपर एक छत पे वहाँ, और मैं और भैया चढ़ेंगे बस। दीदी अपना फोन दिखाइए, देखो फोन दिखाइए। ये तिरंगा ले लिया, एक तो यहाँ लगा दिया, ऊपर राम जी का झंडा लग रहा है, एक तिरंगा और लगाऊंगे। और चिंगी ने देखो ये पेंट कहाँ रख दिए, यहाँ चिंगे पेंट उठा ले। और एक छोटा तिरंगा ये रहा, ये भी लगा दे कहीं से, ये भी लगेगा। और यहाँ देखो एक राम जी का, जय श्री राम का एक तिरंगा हमने यहाँ लगा दिया, ऊपर लगा दो है ना। आ जाओ चलो अभी ऊपर चढ़ेंगे। ऊपर कौन चढ़ेगा, मैं और भैया छत पे, ऊपर ऊपर कर रहे छत पर नहीं, छत पे चढ़ेंगे। आप सभी को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी रिपब्लिक डे। दोनों में हिंदी इंग्लिश में दोनों में आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। चलो अभी चढ़ते हैं ऊपर, सीढ़ी सीढ़ियों से चढ़ेंगे ऊपर, ये बहुत रिस्की है वैसे, लेकिन मैं फिर भी चढ़ सकती हूँ, यस आई कैन डू इट। नहीं मैं नहीं, सोनिया दीदी नहीं चढ़ने की, पूजा दीदी तो चढ़ जाए, एक दिन चढ़ गई थी पूजा दीदी, मुझे तो बहुत डर लगा सीढ़ी पर चढ़ने, पूजा दीदी तो चली जा। भैया पूरी एक्साइटमेंट के साथ ही तिरंगा लहराते हुए सही लग रहा। और देखो सबके झंडे पूरे गाँव में, सबकी छत पे तिरंगे, और हमारे मोहल्ले में हमारे घर के आसपास। तो अभी हम ये तिरंगा उसमें बांध देंगे थोड़ा सा ऊपर करके, क्योंकि यहाँ ना नीचे बांधने के वो लग रहे हैं, झंडा वगैरह बांधना जो भी बांधना वो बांधते हैं हम इसमें, और इसमें रस्सी भी है। वैसे हम नीचे से वैसे रस्सी लाना भूल गए थे, लेकिन हमें मिल गया, यहाँ बांध सकते हैं। और ये थोड़ा सा ऊँचा करके बांध देंगे, उससे ऊपर वाले में बांध देंगे है ना। इधर तिरंगा बंधा ही नहीं तो हमने रस्सी ले ली, अब इधर ली साइड बांध दो भैया। और दीदी देखो सबसे नीचे चली गई धूप में, बात कर बांधो, हाँ यहाँ सही है, देखो कितनी तेज लहरा रहा है। और ये बन गया हमारा तिरंगा, अब इधर तिरंगा इधर ये भगवा, अभी ऐसे ही लहराएंगे जब तक हवा चलेगी। तो अभी चलते हैं नीचे, क्योंकि यहाँ लग रही है ठंडी ठंडी हवा, भले ही धूप निकल दिया लेकिन ठंडी ठंडी हवा में ना कपड़ी सी बंध जाए एकदम से, जब ठंडी इतनी ठंडी हवा लगे। और वैसे भी यहाँ तो खेत है तीनों तरफ, और खेत में सावे ठंडी ठंडी हवा, अभी नीचे चलेंगे। चलो भैया आओ, हाँ और भैया की रील्स बना दी मैंने सारी। अरे देखो यहाँ धूप सेक रहे, धूप के साथ साथ हवा भी ले रहे, हवा लग रही है यहाँ बहुत ज्यादा। और सब्जियाँ तो ठीक ठाक सी हो रही, वैसे अभी ये सब्जी उखड़ने वाली 10-15 दिन में, हाँ अब हो जाए तो 10 दिन में। दस गुड्डू की फरमाइश पूरी हो चुकी है, डीजे यही लगेगा, यही पे लगेगा, पर पहले तो कह रहे थे वहाँ लगेगा, नहीं लो जगह तो नहीं है, फ्लोवर वाला डीजे यही लगेगा, हल्दी मेहंदी करूंगी, हाँ वो कर लेंगे। मैं दीदी कह रही कि भैया की शादी में चौमीन का स्टॉल वहाँ लगेगा, ठंडी चाट चौमीन, और भैया को कोई मतलब ही नहीं, नॉट इंटरेस्टेड। भैया मन ही मन मुस्कुराते रहे, भैया अपनी दोनों में मस्त मगन, उन्हें कोई मतलब ही नहीं, बस हंसते रहे जब इनकी तफरी ली जा। अब ना दीदी सारा खर्च जाएगा, यहाँ लेबल होगा ना, और फिर यहाँ रसोई बनेगी तो तभी उखड़ेंगे। वैसे सब्जी हमारी बहुत अच्छी हो रही, हाँ कच्ची सी ऐसी, मम्मी ऐसी कहती, उसमें मम्मी कहती सब चीज चिमनी वगैरह वैसे तो सब लगवाऊंगे, लेकिन बाहर से ईंटों की बनवा के उसके ऊपर कच्चा रखेंगे, क्योंकि ना पत्थर की कटिंग में बहुत ज्यादा टाइम लगे हैं, कटिंग में लगे ज्यादा टाइम, वैसे लगाने में तो 2 दिन लगे हैं, मैक्सिमम 2 दिन लगे हैं।
तो अभी हम चल दिए घर, क्योंकि दीदी को भी घर जाना है और फिर साफ सफाई भी करनी है। आज टाइल्स का काम शुरू होगा शायद। हाँ। शाम को मम्मा कह रहे हैं एक कमरा खाली कर दो, एक कमरा खाली कर दो क्योंकि टाइल्स रहेगी ना। हाँ दो हो जाएंगे अगर करो तो। अच्छा मेरी मम्मी यार देख रहे छत पे से, बहुत दूर है दिखने के नहीं कैमरे में। चलो देखो मेरे मम्मी दिख नहीं रहा कैमरे में, ज्यादा दूर है वैसे, पास से दिख रहे।